सौरभ जोशी हेलो को पहली बार देख रहे हैं। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइस, अभी मैं जा रहा हूँ न्यूट्रीला लाने के लिए। आज न्यूट्रीला की सब्जी बनेगी। गाइस अभी आए हैं भंगार की दुकान पे भंगार बेचने के लिए। गाइस अभी गए थे नीचे लाने के लिए भंगार में बेचने के लिए वो बुक्स वगैरह। तो अभी बार बोल रहा था कि कम हो गया है, पहले 15 रुपये 16 रुपये किलो बेच रहे थे हम लोग, मतलब ले रहे थे, अभी 12 रुपये किलो। महंगाई बढ़ गया है, सब चीज़ का दाम घटा दिया है, सब मार्केट में तोड़ दिया, लेता ही नहीं है ना कोई। तो ज़्यादातर अब सब कुछ ऑनलाइन ऑनलाइन चीज़ें हो गई हैं, बहुत कम ही लोग ये सब यूज करता है। बोला पुट्ठा का भी इतना था भाव है, सब कम कर दिए, तोड़ दिए है भाव, कहाँ से दे। बोला 2 रुपये किलो हम लोग को बचेगा, 12 रुपये किलो के हिसाब से दिया है, 14 किलो 14.5 किलो था तो हो गया 175 रुपये। हाँ मुर्गा खा लेना, आधा किलो का आधा ही जाएगा आराम से। ये देखिए गाइस, सिद्धांत जो है ये सौरभ जोशी का ब्लॉग देख रहा है और इन लोग को ये यहाँ पे लीची में कीड़ा दिखा है ना। ये देखिए इन लोग को लीची में कीड़ा मिला है और हम लोग तो बहुत पहले से देखते हैं, जानते हैं ना गाइस। लीची जो है हम लोग के शहर से ही आता है, मुजफ्फरपुर से। पूरे वर्ल्ड में सप्लाई होता है लीची, अब तो कई जगहों पे लोग उगाने भी लगे हैं लीची का पेड़, लेकिन ऐसे तो मुजफ्फरपुर से ही, मुजफ्फरपुर की लीची काफ़ी मशहूर है। तो हम लोग को पता है कि भाई कीड़े हो जाते हैं अगर बारिश होती है, और बारिश के बाद फिर लीची के अंदर जो है कीड़े होने शुरू हो जाते हैं, है ना। अभी सौरभ जोशी है लोग को पहली बार देख रहे हैं कीड़ा, तो एकदम सरप्राइज हो गए मैं है सौरभ जोशी लोग। ये देखिए गाइज, इन बेचारों को ये देखिए, इनको अभी पता चला है कि भाई कीड़े हैं इसमें। अभी इनको जैसे जैसे लोग जानते हैं देखते हैं वैसे वैसे उनको पता चलता है, हम लोग तो बहुत पहले से जानते हैं इस बारे में। एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है और अभी बच गए हैं 10:30, तो फटाफट से जाता हूँ नहा लेता हूँ। आज मंगलवार है और आज सुंदरकांड का पाठ भी करना है, तो फटाफट से नहा के पहले पूजा वूजा कर लेते हैं। गाइस नहा के पूजा पाठ कर लिए हैं, ये देखिए सुंदर कांड का पाठ किए हैं हनुमान जी का, और अभी बज गए हैं 12:30। तो अब नाश्ता करने जा रहे हैं, भूख लग रही है बड़े जोरों के, एकदम कड़कड़ा के भूख लग रही है। तो गाइस ये देखिए नाश्ता आ गया अपना, रोटी और ये भुजिया, आलू सोयाबीन की सब्जी, खटमिट्ठी और ये दाल तड़का। तो आज यही है नाश्ते में। तुम्हारे सामने एकदम गाढ़ा नजर आ गया, तुम्हारा रंग हमसे फीका है गोरा गोरा, मेरा थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा ब्राउन ब्राउन। गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं पाउच के लिए, फिर से चेन लाने के लिए, क्योंकि उस दिन जो चेन आया था बड़ा था और पाउच इतना बड़ा बड़ा बन गया है, मतलब दिखा दो, दिखाओ तो कैसे, अच्छा आके दिखाते हैं कैसे कितना बड़ा बना है। तो अभी छोटा पाउच है इन लोग के लिए, पेंसिल वेंसिल रखने के लिए बच्चा लोग के लिए, तो उसी के लिए जा रहे हैं अभी हम लोग। तो जाके देखते हैं, छोटा चेन लेके आते हैं फिर वो बनेगा बाप। तो देखो उठाने की जरूरत क्या है, ऐसे कर दो। चलो आते, तुम लोग करो आराम, पढ़ाई करो, राइटिंग का काम करो, रीडिंग का काम करो, ठीक है। 6:30 हो गया है, आ रहे हैं अभी। गाइज आ गए हैं घर पे, अभी मिल गया है चेन, चेन लेके आ गया है, छोटा ही चेन है। गाइज ये रिमोट का बैटरी जो है वो ख़त्म हो गया है, काम नहीं करता है, तो अभी इसमें नया बैटरी लगा देते हैं। देखिए सिद्धांत लगा रहा है, फर्स्ट टाइम फर्स्ट एक्सपीरियंस है बैटरी लगाने का क्या। हाँ हाँ लगाओ, देखो लगता है कि नहीं, फट भी नहीं रहा तुमसे तो। निकल गया, निकालो, यस यस, हाँ छोटा ही है, ठीक है उसी साइज का रहता है बैटरी। दूसरा बैटरी लगा दो,
दूसरा बैटरी भी लग गया है गाइस, ठीक है ना। हाँ अब उसको दबाना मत हाथ में रख के, तुम लोग ही बैटरी खा जाता है उसका, दबाते रहते हो जब तक टीवी चलता है तब तक रिमोट हाथ में ही रहता है। ये देखिए गाइस ये लेके आ गए हैं, यही है चेन छोटा, और पिछली बार जो लाए थे वो ये देखिए इतना बड़ा पाउच बना था, यहाँ सॉलिड बना था लेकिन दोनों भाई का दो ठो पाउच बना था। क्या डालोगे उसमें अभी, पैसा वैसा? अरे यार 2000 का नोट, 2000 का नोट नहीं। घर में बेइज्जती हो गई इस बार, 1 2000 का। हाँ हम लोग कहीं गए ही नहीं चेंज कराने, ये नहीं है साला घर में कैश। 10 रुपये का धनिया भी ऑनलाइन खरीद के आता है। और ये देखिए बच्चा मेरा कर रहा है शाम की पूजा, शाम का पूजा इसके नाम, सुबह का पूजा उसके नाम। इसको सेल कर दिया जाए। चलिए हाँ बेच भी सकते हैं। ये पसीना पसीना जैसा कहाँ से निकल रहा है? किधर देखना ध्यान से, जलाना मत, बाहर भी दिखा दो। गीला तो नहीं था मेरी हाथ से। पसीना पसीना क्या, किसका पसीना? तुम्हारा हाथ हम थोड़ी छुए। मेरा पैर। तुम्हारे पैर पे मेरा हाथ कहाँ है? अरे तुम्हारे पैर पे हम थोड़ी अपना हाथ रखे हैं, तो तुम्हारे पैर पे कैसे चला जाएगा पानी? गाइज ये देखिए आज हम लोग बैठ के देख रहे हैं, आज नया एपिसोड रिलीज हुआ है इंस्पेक्टर अविनाश का, रणदीप हुडा वाली स्टोरी है, वही देख रहे हैं आज जियो सिनेमा पे। गाइज यहाँ देखिए यहाँ बन रहा है मस्त सेजवान चटनी, और इधर बन रहा है मंचूरियन चाइनीज पकौड़ा। तो आज चाइनीज पकौड़ा विद सेजवान चटनी खाया जाएगा। हे गाइस ये देखिए अपना मंचूरियन रेडी हो गया हुआ है, चाइनीज पकौड़ा ग्रेवी वाला। गरम है क्या? आ खाया नहीं आ। अरे ऊपर करो, बहुत टेस्टी है। टेस्टी है, बहुत मस्त है। स्पाइसी चाहिए था ना? स्पाइसी चाहिए था ना, स्पाइसी अभी मिल रहा है खाने के लिए। तो गाइस मंचूरियन बहुत स्पाइसी था, अभी तक मुंह लहर रहा है पूरा, एकदम जीव जो है होठ होठ सब लहर रहा है। और मजा आया ना तुम लोगों को खाने में? अभी खा ही रहा है स्पर्श। तो गाइज होपफुली आप लोग को ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।